यार जो सेफ्टी रूम में जो परिंदे हैं, एक मेल को पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल कंडीशन उसकी बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये एकदम ही बीमार हुआ है। तो उसका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जाके, तो हालत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आगे उसने बच्चे भी पालने हैं यार। अच्छा भला मेल था इतना। और यार क्या आराम से बैठे हुए हो, कुछ चुमिया शुमिया लो, कोई अंडे शंडे। हमें भी दो नए मेहमान आए, कोई हमारे इधर भी रौनक लगे जनाब। क्या ऊपर बैठे रहते हो आप दोनों? हाँ जी मेल सुनाओ यार, सिचुएशन इज़ वेरी बैड। ये मेल मुझे बीमार लग रहा है, इसका चोंच देखे और आंखें देखे खराब हो गई हैं। तो पता नहीं इसे क्या मसला हो गया, यकदम ही बिल्कुल ठीक था यार। तो फीमेल इसकी ये रही यार, ये बाहर है फीमेल। तो जो मेल है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी उसी उसकी ट्रीटमेंट मुझे करनी पड़ेगी यार। तो इसका पता नहीं है यार, आंखों में पानी चल रहा है और चूंच का थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है। अंडू पे तो बैठ रहा है सही, खा भी सही रहा है, अभी दाना वगैरह खा के अंदर आया है। अच्छा सही है, आपको बाद में मिलते हैं जी। चलते हैं जी अपने दूसरे परिंदों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आज? चलिए जी चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। ये रहे जी अंदर वाले परिंदे, ये ब्लैक बादशाह मेल नीचे बैठा हुआ है एक पेयर। ये इनके बच्चे आने वाले हैं, बस 2 से 3 दिन में ये अंडे टूट जाएंगे। दिन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 17-18 दिन हो गए हैं एक पेयर। ये तो यार अंडे देने का नाम ही नहीं ले रहा ये वाला पेयर, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। पहले जब नए आए थे तब तो इसने स्पीड से दे दिए थे, अभी तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं ये अंडे नहीं दे रहा। तो इन्हें बैठने देते हैं आराम से अंडू के ऊपर। तो बाकी ये एक फीमेल यार उड़ के वो ऊपर जा रही है। तो बाकी तीन ये रहे, एक वो गंजा बच्चा है, पता नहीं ये अब मेल निकलता है या फीमेल निकलती है। वो किधर जा रहे हो आप, हैं किधर जा रहे हो? ये है जी गंजा बच्चा। कंडीशन अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है यार, पहले तो इसकी सही ग्रोथ थी नहीं थी हो रही, तो अभी तो ठीक जा रहा है सिस्टम इसका। तो वो जा रहे किधर हो? नीचे गिरना है, उस तरफ जाओ। ये जी ये फीमेल को मैंने बांधा हुआ है इसके पर, ये बहुत ज़्यादा तंग करती थी। एक ये रही जनाब, ये भी बहुत ज़्यादा तंग करती है यार, तो इसलिए मैं इसके भी बांध दूंगा टेप के साथ। पर तो उड़ जाते हैं यार, जब बंद करना हो ना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सूरज बिल्कुल ऊपर है, आंखें नहीं सही तरह खुल रही। उठ क्यों गए हो यार, अपने अंडू पे बैठो, टाइम शाइम दो यार, बच्चे शच्चे निकालो, रौनक लगाओ कोई थोड़ी सी और। तो ये तो सही मेल है जो बादशाह मेल है ब्लैक, ये तो सही बैठा हुआ है। इस पेयर का भी यार काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये पेयर भी इस दफ़ा अंडे पता नहीं क्यों इतनी लेट ही अंडे देते हैं। इन्होंने तो शायद क्रॉसिंग करना भी छोड़ दिया इस पेयर ने और ये ऊपर जो पेयर है। तो बाकी ये गंजा बच्चा अंदर आ गया है, ये मेल है अंडू के ऊपर बैठ जाएगा अभी थोड़ी देर तक, पास ही है बिल्कुल। थोड़ा सा डर गया ना मैं, आगे आया हुआ था तो इसलिए ये सोच रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या करने लगा। कुछ भी नहीं करने लगा यार, मैं बस वीडियो दिखा रहा हूँ लोगों को। तो ये फीमेल यार इधर बैठी हुई थी, इधर से उड़ के ये ऊपर आ गई है। वो नीचे आ जाओ ऊपर, क्या है यार आपको गर्मी नहीं लगती? वो देखें वो दूसरी छत पे चली गई है यार, वो दूर। तो अभी इसका इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ देर तक, जब आ जाएगी तो इन्हें फिर मैं बंद करके सेफ्टी रूम में पैरट को दाना वगैरह डालना जो। तो अच्छा यार जो सेफ्टी रूम में जो परिंदे हैं, एक मेल को पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल कंडीशन उसकी बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये एकदम ही बीमार हुआ है। तो उसका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जाके, तो हालत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आगे उसने बच्चे भी पालने हैं यार। अच्छा भला मेल था इतना प्यारा, पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। मौसम यार अभी भी बारिश वाला मौसम है, तो मौसम उम्मीद है कि बारिश आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है अभी। धूप है किसी टाइम, बादल आज ऊपर छा जाते हैं और किसी टाइम धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़। ये रहा इधर इनका बाजरा और पानी,
तो अभी यार अच्छा चलते हैं अपने सेफ्टी रूम की तरफ, तो उतनी देर में जो फीमेल ऊपर गई हुई है वो आ जाएगी, तब तक चलते हैं जी अपने सेफ्टी रूम की तरफ। तो अच्छा यार, इन्हें भी इनकी खुराक मैंने डाल दिया, ये खा के अभी ऊपर बैठ गए हुए हैं। तो फीमेल ये अभी बाहर ही है, तो मेल अंडू को टाइम दे रहे हैं, अंडू के ऊपर बैठा हुआ है। तो अभी यार इसकी मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, अल्लाह ना करे, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इसकी बुरी लग रही है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि यार आगे इसने बच्चे भी पालने हैं, अंडों में से बच्चे आने वाले हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों करते हैं जी यहीं पे क्लोज, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिए, दुआओं में याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।